उत्तर प्रदेश सरकार में दो बार मंत्री रहे और वेस्ट यूपी के बड़े ओबीसी नेताओं में शुमार डॉक्टर धर्म सिंह सैनी इन दिनों राजनीतिक वनवास काट रहे हैं। उनकी यह स्थिति 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई थी। धर्म सिंह सैनी 22 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के मंत्री पद का इस्तीफा देने के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और नकुड़ विधानसभा से चुनाव लड़ा था, जहाँ से उनको हार का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी 2002, 2007 और 2012 में लगातार 3 बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर नकुड़ विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक बने थे। यूपी सरकार में दो बार मंत्री रहे और वेस्ट यूपी में बड़े ओबीसी नेताओं में शुमार किए जाने वाले डॉक्टर धर्म सिंह सैनी इन दिनों राजनीतिक वनवास काट रहे हैं। उनकी ये स्थिति 2022 विधानसभा चुनाव से एन पहले भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद और समाजवादी पार्टी में शामिल होकर नकुड़ विधानसभा चुनाव हारने के बाद हुई। बताते चले कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी 2002, 2007 और 2012 में लगातार 3 बार बसपा के टिकट पर चुनाव जीत कर नकुड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। 2007 में मायावती सरकार में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। 2012 में समाजवादी पार्टी की लहर के बावजूद डॉक्टर धर्म सिंह सैनी नकुड़ से बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 2017 विधानसभा चुनाव से पूर्व बसपा छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी और नकुड़ विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर विधायक बने थे। इसके बाद उन्हें योगी सरकार में आयुष मंत्री बनाया गया था। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में चले गए थे, तो उनके साथ ही डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने भी मंत्री पद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी 2022 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के मुकेश चौधरी से हार गए थे और तभी से वे अपना राजनीतिक वनवास काट रहे हैं। धर्म सिंह सैनी ने खतौली विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की कोशिश की थी। वो एक बड़े काफिले के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में शामिल होने के लिए सहारनपुर से निकले थे, लेकिन उन्हें मुजफ्फरनगर हाईवे से ही वापस लौटा दिया गया था। तब से वो लगातार सियासी सरगर्मियों से दूर हैं और मीडिया से भी उन्होंने दूरी बनाई हुई है। कुछ समय पहले जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर में आयोजित सैनी समाज के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, तो धर्म सिंह सैनी ने भरे मंच से अपनी पीड़ा भी उनके सामने जाहिर की थी। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य को 2027 में भी यूपी का सीएम तक कह डाला था। उस समय भी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि धर्म सिंह सैनी से भाजपा छोड़ने की गलती हुई थी, फिर भी उनको लेकर प्रयास किए जाएंगे। धर्म सिंह सैनी पिछले 1.5 साल से ज़्यादा समय से भाजपा से बुलावे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास कोई भी बुलावा नहीं आया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जल्दी ही भाजपा हाईकमान 2024 के चुनाव को देखते हुए धर्म सिंह सैनी को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। धर्म सिंह सैनी 1.5 साल से ज़्यादा समय से भाजपा से बुलावे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनके पास कोई बुलावा नहीं आया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जल्द ही भाजपा हाईकमान 2024 के चुनावों को देखते हुए धर्म सिंह सैनी को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है, या फिर खुद धर्म सिंह चुनावों से ठीक पहले कोई बड़ा खेल करके सबको चौंका सकते हैं। धर्म सिंह सैनी के साथ सैनी समाज के अलावा विभिन्न जातियों के लोगों का समर्थन है। फिलहाल धर्म सिंह सैनी राजनीतिक कार्यक्रम को छोड़कर सामाजिक कार्यक्रमों में ही रहकर अपना वनवास काटते दिखाई दे रहे हैं। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।